शिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। इसी साल होगी 3 लाख शिक्षकों की बहाली, सातवें चरण के लिए इसी साल बहाली की जाएगी। शिक्षक बहाली के नियोजन पर कर चुके हस्ताक्षर, कैबिनेट में भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग देगा 2.25 लाख नौकरी, ये भी उन्होंने कहा है। सरकार का आधा संकल्प इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सुपौल के वार्ड नंबर 6 में आरजेडी जिला प्रवक्ता अनोज कुमार आर्य के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की, बड़ी घोषणा की है। बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पार्टी कार्यक्रम में शिरकत करने सुपौल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 25 फरवरी को होने वाले पूर्णिया में सीमांचल और कोसी के तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की रैली निर्धारित है, जिसकी तैयारी को लेकर ही सुपौल जिले के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज विशेष बैठक बुलाई गई और इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन बड़ी खबर, उन्होंने बड़ी जानकारी साझा की है कि सातवें चरण की जो भर्ती प्रक्रिया की बहाली है वो इसी साल पूरी कर ली जाएगी। और ऐसे में उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की है कि स्वास्थ्य महकमा यानी जिसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के पास है, उसमें भी 2.25 लाख नौकरियां दी जाएंगी इस साल। सरकार का आधा संकल्प इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरी तैयारी की जा रही है, महागठबंधन की रैली होने वाली, लेकिन उसी दौरान यह बड़ी जानकारी साझा की है शिक्षा मंत्री ने।